फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उस भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं जिस भूमि ने हजारों वर्ष पहले ये मंत्र दिया था, सम गच्छ त्वम समद्व त्वम संवो मानसी जानता। आज 21वीं सदी में ये मंत्र और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, प्रासंगिक हो गया है। समगच्छ त्वम यानी सभी साथ मिलकर चले, संवद्वम यानी सभी मिलजुल कर आपस में संवाद करें, और सम्मो मनानस्य जानताम यानी सभी के मन भी आपस में मिले रहें। फ्रेंड्स, जब मैं पहली बार क्लाइमेट समिट में पेरिस आया था, तब मेरा यह इरादा नहीं था कि दुनिया में हो रहे अनेक वायदों में एक वायदा अपना भी जोड़ दूं। मैं पूरी मानवता के लिए एक चिंता के साथ आया था। मैं उस संस्कृति के प्रतिनिधि के रूप में आया था जिसने सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी रहे का संदेश दिया है, और इसलिए मेरे लिए पेरिस में हुआ आयोजन एक समिट नहीं, सेंटीमेंट था, एक कमिटमेंट था। और भारत वो वायदे विश्व से नहीं कर रहा था, बल्कि वो वायदे 125 करोड़ भारतवासी अपने आप से कर रहे थे। और मुझे खुशी है कि भारत जैसा विकासशील देश जो करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में जुटा है, जो करोड़ों लोगों की ईज ऑफ लिविंग पर रात दिन काम कर रहा है, आज विश्व की आबादी का 17% होने के बावजूद जिसकी एमिशंस में रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ 5% रही है, उस भारत ने अपना कर्तव्य पूरा करके दिखाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है।